थर्ड एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं अंशा के पास तोन आता है और वो अपने आप को अंशा का एक्स बॉयफ्रेंड बताता है। तो यहाँ पर सन इन सभी की बातें सुन लेती है और अंशा के पास आकर पूछती है, क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे के डेट किए? तो अंशा सन को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। तो तोन कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट सिर्फ 3 दिनों के लिए किए थे। और अंशा भी कहती है, हम दोनों ने शॉर्ट टाइम के लिए डेट किए और अब कुछ नहीं है। तो ये सुनकर ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम दोनों ने 3 दिनों के लिए डेट किए? तोन कभी भी किसी को एक दिन से ज़्यादा डेट नहीं करता, ये कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है। तभी हमें दिखाया जाता है लास्ट ईयर जब अंशा बैंकॉक फेस्टिवल के लिए आई थी, तभी वो तोन से मिली और उस दिन अंशा अल्फा के साथ खेल रही थी। तभी कुछ लड़के इन दोनों के पास आकर परेशान करने लगते हैं। तो तोन ये सब देखकर वो सब लड़कों को भगाता है और इसी वक्त तोन अंशा को देखकर पसंद करने लगता है और अंशा को डेट के लिए पूछता है। तो अंशा डेट पर चढ़ने के लिए रेडी हो जाती है और तोन कहता है, यही वक्त था जब मैं फर्स्ट टाइम किसी के प्यार में पड़ा और वो वक्त मैं कभी भी भूल नहीं सकता। बट अंशा उस वक्त 3 दिनों के बाद फुकेट वापस चले गई थी, जिस वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। और अंशा को कहता है, हालांकि हम दोनों का अब ब्रेकअप हो गया है, बट मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम ये याद रखना। और ये सब कहकर किसी को भी ये बात बताने को मना करता है। तभी हम देखते हैं एक स्टूडेंट इन सभी की बातें सुनकर वीडियो बना लेती है और इसके बाद अल्फा अपने फ्रेंड से कुछ फ़ोटो को लेकर पूछ रही होती है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने 2 दिन पहले ये फ़ोटो रात के वक्त क्लासरूम के अंदर से लाइट आते हुए देखकर फ़ोटो ले लेते हैं। तो ये दोनों इस फ़ोटो को देखते हैं और इन दोनों को भी इस बारे में पता नहीं रहता है। तो लूना कहती है, अगर हम चाहें तो आज रात खुद इस बारे में पता लगा सकते हैं, बस हमें कोई एक टीचर का सिग्नेचर चाहिए जो कि हमें रात को स्कूल के अंदर आने का परमिशन दे। तो ये सब सुनकर माविन कहता है, ऐसा है तो तुम रीज़न क्या दोगी? क्या तुम इस मिस्टीरियस लाइट के बारे में पता लगाने का मेन रीज़न बताओगी? और अगर ऐसा करोगी तो ज़रूर तुम्हें टीचर से डांट पड़ेगी। तो अल्फा भी इस बात पर अग्री करके लाइट के बारे में पता लगाने को मना करती है। तभी वहाँ पर एलिन आती है और अल्फा देखकर कहती है, तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए था। तो एलिन फ़ोन का चार्जर मांगती है। तो अल्फा कहती है, मेरे पास नहीं है, तो तुम अंशा से जाकर मांग सकती हो। तो ये सुनकर एलिन इसे वेस्ट ऑफ द टाइम बताती है। तभी एलिन की नज़र फ़ोटो पर पड़ती है तो एलिन ये देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसे लग रहा है कि इसका फ्रेंड यानी कि एलियन एलिन से मिलने आया है। तो एलिन अपने फ्रेंड से मिलने के लिए ये फ़ोटो को अपने पास रख लेती है। और वही टीचर निदा सभी स्टूडेंट से कह रही होती है कि आज क्लास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और वॉलंटियर को सिलेक्ट किया जाएगा, तो सबको अपने में बात करके नाम सिलेक्ट करना है। तो ये सभी क्लास प्रेसिडेंट के लिए सन को सिलेक्ट करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट सन की एक फ्रेंड बनती है। और जब वॉलंटियर को सिलेक्ट करने का बारी आता है तो सब स्टूडेंट वॉलंटियर ना बनने के लिए अपना अपना फेस छुपाने लगते हैं। तभी अंशा मौका देकर अपना हाथ वॉलंटियर बनने के लिए उठाती है। तो चारों और तीन ये देखकर अंशा को मना करती है। तभी टीचर निदा कहती है, तुम अपने आप का सेक्रीफाइस की, इसके लिए थैंक्स। और अंशा को एक ड्यूटी देती है कि अंशा को स्पोर्ट्स फी के लिए सब स्टूडेंट से 100 बात करके पैसे लेना होगा और टीचर के पास कल सबमिट भी करना होगा। तो ये सुनकर अंशा परेशान हो जाती है और इसके बाद अंशा सब स्टूडेंट से कैसे पैसे कलेक्ट करे इस बारे में सोच रही होती है, बट कुछ समझ में नहीं आता है। तो अंशा इन दोनों से पूछती है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे मैं सबसे पैसे कलेक्ट करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कभी भी किसी से पैसे को लेकर डिमांड नहीं की। तभी चारण कहती है, अगर तुम्हें किसी से पैसे मांगना है तो तुम्हें उसके पास अच्छे से बात करनी होगी और जब वो बातों में आकर पैसे दे दे तो उन सबको कुछ तारीफ कर देना। तो तीन ये सब देखकर कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अगर सबसे पैसे मांगना है तो तुम्हें अच्छे से नहीं बल्कि अपने आप में कुछ एटीट्यूड लाकर उन सबके पास जाकर पैसे मांगना होगा, जैसे कि अपना स्लीव ऊपर करके डायरेक्ट जाकर पैसे मांगो। तो ये सब सुनकर अंशा अभी भी कुछ समझ नहीं पाती है। तभी तीन के पास मैसेज आता है और तीन मैसेज को देखकर अंशा को दिखने के लिए देता है और हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट वीडियो बनाकर स्कूल के ग्रुप चैट में सेंड कर दी है और अब ये वीडियो सारे स्टूडेंट देखकर अंशा के बारे में बात करने लग गए। तो जब अंशा क्लासरूम में सब स्टूडेंट से पैसे मांगने के लिए आती है तो दो स्टूडेंट अंशा को देखकर बिना मेहनत करवाए पैसे दे देती है और तोन के साथ डेटिंग वाले टॉपिक के बारे में पूछने लगती है कि अंशा कैसे तोन को डेट की। तो अंशा ये सब देखकर वहाँ से सीधे दूसरे स्टूडेंट के पास आकर पैसे पे करने के लिए बोलती है। तो वो लड़की जिसका नाम ब्लॉसम है वो पैसे देने के लिए मना कर देती है और तोन के बारे में पूछती है कि अंशा कैसे तोन को डेट की। तो अंशा डर जाती है और तीन के तरफ देखने लगती है। तो तीन उसे स्लीव ऊपर करके धमकाने को कहता है। तो अंशा ये देखकर स्लीव ऊपर करने लगती है और कहती है, अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है तो तुम कल पे कर सकती हो।
तो ये सुनकर वो लड़की नहीं मानती है और अंगसा को चैलेंज दे देती है कि अगर अंगसा उसे बास्केटबॉल में हरा दी तो वो लड़की पैसे दे देगी। तो ये सुनकर तीन और चारों कहती है कि तुम स्कूल के बास्केटबॉल टीम की मेंबर हो तो अंगसा कैसे मैच खेल सकती है। तो ये सुनकर अंगसा मैच के लिए तैयार हो जाती है और कल मैच खेलने को बोलती है और अंगसा फिर से प्रॉब्लम में अपने आप को फंसा लेती है। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है तीन स्टूडेंट कमेटी का मेंबर बन गया है। तो तीन स्टूडेंट कमेटी के पास आकर व्लॉग वीडियो बनाने लगता है और माविन तीन को देखकर उसे फॉलो करने लगता है और जहाँ जहाँ तीन जाता है वहाँ वहाँ माविन पीछा करता है। तो तीन ये सब देखकर पूछता है कि तुम बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहे। तो माविन कहता है मैं कहाँ कर रहा, मैं सफाई कर रहा हूँ। तो तीन ये सुनकर माविन को कुछ देर के लिए दूर रहने को कहता है और अल्फा ये सब होते हुए देखकर माविन के पास आती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे, तुम अचानक से अजीब बिहेव क्यों करने लग गए। तो ये सुनकर माविन कहता है मैं तीन को पसंद करता हूँ और मैं उसे जानना चाहता हूँ कि वो कैसा लड़का है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं उससे फ्रेंडशिप कैसे करूँ। तो अल्फा ये सुनकर माविन को कॉन्फिडेंस लाने को कहती है। तभी तोन आता है और कहने लगता है कि मेरे साथ कौन कौन उस ग्रीन लाइट के बारे में पता लगाने के लिए चलेगा। तो ये सुनकर अल्फा मना करने लगती है और तोन से कहती है तुम यूजलेस थिंग करना कब बंद करोगे, तुम सब स्टूडेंट कमेटी के मेंबर हो तो तुम्हें रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और रात के वक्त स्कूल में आने का पनिशमेंट के बारे में माविन को बताने को कहती है। तो माविन पनिशमेंट के बारे में बताता है कि जो कोई भी रात को स्कूल में आएगा और पकड़े जाने के बाद उन सब स्टूडेंट को साल भर के लिए स्कूल का साफ सफाई करना होगा। और अल्फा सबको रूल ब्रेक करने को स्ट्रिक्टली तौर पर मना कर देती है। तो ये दोनों अकेले में बात करते हैं कि आज रात वो दोनों जैसे भी करके लाइट के बारे में पता लगा कर रहेंगे। तभी माविन इन दोनों की बातें सुनकर इन दोनों के पास आकर साथ में चलने का बात करता है। तो ये दोनों मान जाते हैं। तो दूसरी तरफ एलिन टीचर के पास आकर वो फोटो दिखाती है और रात के वक्त स्कूल में आकर इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का परमिशन मांगती है और कहती है ये लाइट नॉर्मल नहीं है, ये एलियन का लाइट है। तो ये सब सुनकर टीचर परमिशन नहीं देती है। तो एलिन वो सब फोटो को लेकर वहाँ से चले जाती है और लूना ये देखकर एलिन के पास आती है और पूछती है कि तुम क्या कर रही। तो एलिन कहती है क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो लूना एलिन को लाइट ये सब फिक्स करते हुए देखकर कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपने साथ साथ हम सबको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो एलिन कहती है तुम मुझसे कही थी कि मैं जिस भी चीज़ पर बिलीव करती हूँ वो सब बकवास नहीं है, तो तुम कैसे अपने बातों से पलट गई, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये लाइट UFO का रहा तो ये मेरा पहला और आखिरी चांस होगा अपने फ्रेंड से मिलने का। अगर तुम्हें इस बारे में टीचर को इन्फॉर्म करना है तो तुम जाकर इन्फॉर्म कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब सुनकर लूना पूछती है क्या तुम्हें पनिशमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलिन ना कहती है। तो ये सुनकर लूना भी साथ में चलने के लिए रेडी हो जाती है और वहीं अंगसा बास्केटबॉल खेलने का कोशिश कर रही होती है बट अंगसा को खेलने नहीं आ रहा होता है। तो सन ये सब देखकर अंगसा के पास आती है और अंगसा कहने लगती है कि मुझे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे उसके तरफ से पैसे पे कर देना चाहिए था। तो ये सुनकर सन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर बुलोसा नेक्स्ट मंथ में भी पैसे पे ना करे तो क्या तुम उसके तरफ से हमेशा पैसे पे करोगी, ऐसा तुम नहीं कर सकती। और ये सब कहकर सन अंगसा को बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है सिखाने लगती है और बॉल को थ्रो करने को कहती है। तो जैसे ही अंगसा बॉल को थ्रो करती है तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से अंगसा गिरने लगती है। तो ये देखकर सन उसे बचाने की कोशिश करती है बट ये दोनों ही एक साथ नीचे गिर जाते हैं और अंगसा सन को करीब में देखकर सोचने लगती है कि अभी अंगसा का हार्ट बीट फास्ट होकर है तो ज़रूर सन समझ गई होगी कि अंगसा उसके लिए क्या फील करती है। तो ये दोनों खड़े होते हैं और अंगसा सन से पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सन अंगसा के फेस को देखकर पूछती है तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया। तो अंगसा ये सुनकर कहने लगती है शायद धूप में रहने की वजह से रेड हो गया है और ये कहकर फिर से गेम के ऊपर फोकस करती है। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम अंगसा को देखते हैं जो यही सोचकर परेशान रहती है कि उसे वॉलंटियर नहीं करना चाहिए था। तभी वो एक फ़ोटो को लेकर स्टोरी पोस्ट करती है तो सन देखकर मैसेज करती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो अंगसा ये देखकर कहती है कि वो बस थोड़ा परेशान है। तभी अल्फा अंगसा के पास आकर एलिन के बारे में पूछती है कि क्या एलिन आज स्कूल से अंगसा के साथ वापस आई थी या नहीं। तो अंगसा ये सुनकर कहती है कि वो एलिन के साथ घर वापस नहीं आई थी और ना ही अंगसा एलिन को स्कूल में देखी। तो ये सुनकर अल्फा परेशान होने लगती है कि एलिन बिना बताए कहीं नहीं जाती है और ना ही वो अभी रूम में है और ना ही कॉल को रिसीव कर रही। तभी अल्फा को याद आता है कि वो शायद स्कूल में होगी लाइट के बारे में पता लगाने के लिए। तो ये सोचकर अल्फा अंगसा को साथ में चलने को कहती है तो अंगसा अल्फा के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है और यहीं पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है।
फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।